भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला अब 13 अगस्त को आएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इस मामले में सुनवाई कर चुका है। विनेश इस सुनवाई में वर्चुअली मौजूद थी। आयोग की तरफ से जाने माने वकील हरीश सालवे और विदुपशद सिंघानिया ने दलीलें दी हैं और विनेश फोगाट ने फाइनल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद UWWA के खिलाफ CAS में अपील की थी। मैच 100 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से विनेश फोगाट को फाइनल मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और 3 घंटे तक ये सुनवाई चली और पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रविवार तक फैसला आएगी, लेकिन आईओए के सूत्रों ने बताया कि अब ये फैसला मंगलवार यानी कि 13 अगस्त को आएगा और इस मामले पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने कहा है कि पैनल विनेश के केस में प्रक्रियाएं तेजी से कर रहा है, लेकिन उनकी अपील पर 1 घंटे में फैसला देना संभव नहीं है। इस मामले में पहले यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का पक्ष सुना जाना जरूरी है और पैनल की सदस्य डॉक्टर एनाबेल बेनेट को फैसला करना होगा। इस बीच विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने एक बार फिर से कहा है कि वो विनेश को संन्यास लेने के फैसले को लेकर बात करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे कि वो 2028 के ओलंपिक में हिस्सा लें।